सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस, क्या आपको भी विड्रॉल ब्लीडिंग अनवांटेड 72 लेने के बाद हुई है? तो आपके मन में भी यही क्वेश्चन होगा कि क्या विड्रॉल ब्लीडिंग होने के बाद प्रेगनेंसी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, या फिर विड्रॉल ब्लीडिंग के बाद आपका जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल था, मतलब कि जो पीरियड है, वो कब आएंगे। तो इस वीडियो में इन दोनों बातों को अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैम चैलेंज, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कई जो अनमैरिड कपल्स हैं, या फिर कपल्स भी आप लगा लीजिए, कि उनको जब अनवांटेड प्रेगनेंसी का रिस्क रहता है तो फिर वो बिना वजह ये अनवांटेड 72 को ले लेते हैं और विड्रॉल ब्लीडिंग कॉज होती है। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा भी है जहाँ पर प्रेगनेंसी होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते, ना के बराबर होते हैं। आप चाहें तो आई के बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना, उसमें अच्छे से समझाया है कि कब प्रेगनेंसी होती है और कब नहीं होती है। तो बिना वजह इस पिल को नहीं लेना चाहिए। दूसरा, देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि इस पिल को बहुत ही कम यूज़ कीजिए। साल में एक या दो बार, 6 महीने में एक बार यूज़ करेंगे तो मच बेटर रहेगा, क्योंकि एक बार इस पिल को लेने पर आपके जो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, ये एक हार्मोनल पिल है और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात कि ये इमरजेंसी के लिए बनाई हुई है, जहाँ पर आपको अबॉर्शन या फिर गर्भपात कराने की भी नौबत ना आई, उससे बचने के लिए आपको ये पिल लेनी चाहिए और इसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब जब आप इस पिल को लेते हैं तो आपको विड्रॉल ब्लीडिंग होती है, जो यूजली 10 डेज के अराउंड ही होती है। ठीक है, अब इसमें जब ये ब्लीडिंग होती है तो काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या विड्रॉल ब्लीडिंग के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही बात को क्लियर कर लेते हैं कि भाई प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी। अगर विड्रॉल ब्लीडिंग आपको विद इन 10 डेज हो जाती है और फ्लो रेट काफ़ी ज़्यादा हैवी रहता है, तो भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं। ठीक है, अगर आपको विड्रॉल ब्लीडिंग होती ही नहीं है, ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है कि अनवांटेड 72 ले ली है और विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं होती है, तो हर केस में ये भी नहीं है कि विड्रॉल ब्लीडिंग देखने को मिले। ठीक है, अगर विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं होती है तो आपने एक्सपेक्टेड डेट जो आपकी पीरियड्स की है, आपने जब वो मिस हो जाए तो आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, या फिर आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हो, या फिर आप सीरम बीटा HCG हार्मोन टेस्ट करवा सकते हो, उससे भी आप डिटेक्ट कर सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। ठीक है, और दूसरा, ये बारी बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर विड्रॉल ब्लीडिंग हुई है तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आएगा। तो गाइस देखिए, जो विड्रॉल ब्लीडिंग आपको हुई है उसके एग्जैक्ट 4 से 6 वीक्स तक पीरियड्स आते हैं नॉर्मली। मान के चलें कि अगर किसी फीमेल को 10 तारीख को पीरियड्स आ रहे थे, उसने जो अनवांटेड 72 पिल है वो उसने 25 तारीख को ली है, ठीक है, विड्रॉल ब्लीडिंग अगर 27 तारीख को हुई है तो उसका जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो भी 27 तारीख के अराउंड ही आएगा। आपने ऐसे मान के नहीं चलना है कि आपकी जो पुरानी पीरियड्स की डेट थी उसी डेट पर आपको पीरियड्स आएंगे, ऐसा नहीं है। जिस दिन विड्रॉल ब्लीडिंग हुई है उसी दिन से आपने पहला दिन आपके पीरियड साइकिल का काउंट करना है। ठीक है, और फिर जो आपका पीरियड साइकिल का डेज का साइकिल था उसके टाइम के अराउंड ही आपने वो डेट काउंट करनी है, और उसी डेट को जो आपका विड्रॉल ब्लीडिंग का पहला दिन था उसी डेट के अराउंड आपको पीरियड्स आएंगे। मैक्सिमम कितने दिन तक आपने वेट करना है? मैक्सिमम आपने 6 वीक्स तक वेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि इस टाइम पीरियड तक की आपको पीरियड्स आ जाते हैं। इससे ज़्यादा क्यों नहीं वेट करना? क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम पीरियड तक आपको अगर पीरियड्स नहीं आते तो आपको ओवेरियन सिस्ट या फिर फॉलिकुलर सिस्ट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जिन फीमेल्स को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, 6 वीक्स का उन्होंने वेट कर लिया, तो आपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है, फिर वो आपको कुछ मेडिसिन देंगे जिससे आपके पीरियड्स वापस आ जाएंगे और जो आपका जो हार्मोन्स का लेवल था जो फ्लैक्चुएट हुआ था, इम्बैलेंस हुआ था, वो भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो
ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है आपने अनवांटेड 72 को लेते टाइम। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार ही अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज़, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।